देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके घर में नारियल होना। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इसकी दिशा की, लोगों को इसकी दिशा नहीं पता, कहीं भी सुंदरता के चक्कर में कहीं भी लगा देते हैं, तो इसकी दिशा है या तो पश्चिम होनी चाहिए या फिर दक्षिण। साथ ही साथ आप ये सोचिए, हर पूजा में, हर हवन में, हर तरीके के धार्मिक काम में नारियल का उपयोग लाया जाता है, तो कितना पवित्र होगा, इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी वो कैसी होगी, इस पौधे की जो वाइब आएंगी घर में वो कैसी होगी। दोस्तों वास्तु में हर चीज का अपना अलग महत्व है, हर चीज का अलग नियम है। आज हम बात करने वाले हैं घर में पौधों की क्या अहमियत है। देखिए वैसे तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हर प्रकार से सृष्टि की भलाई के लिए पौधों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ खास पौधे ऐसे हैं जो हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं। देखिए हमारे जीवन को बचाए रखते हैं ये बात अलग है, लेकिन हमारे जीवन में धन की प्राप्ति, घर के कलह को खत्म करना, साथ ही साथ बिजनेस में बहुत ज्यादा सहायता भी मिलती है इन पौधों से। तो बात करते हैं ऐसे कुछ पौधों की जो हमारे घर में सुख शांति के साथ धन की प्राप्ति में भी लाभदायक रहेंगे। तो चलिए इस लिस्ट में हम पहले पर रखते हैं पारिजात हरिसिंगार को। देखिए जो हरिसिंगार का पौधा है, इसको देवलोक का पौधा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जब सागर मंथन हुआ था उस वक्त जो 11वां रत्न निकला था वो यही पौधा था। ये पौधे रात में खिलते हैं और शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, पहली बार श्री राम ने माता सीता को यही पौधा उपहार में दिया था। देखिए ज्यादा महंगा ये पौधा नहीं आता है, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा किसी भी नर्सरी में। तो जितना जल्दी हो सके इसे अपने घर में लगाएं, आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों इस श्रेणी में हमने दूसरा जो पौधा रखा है वो है माँ तुलसी का। देखिए माँ तुलसी हर घर में होती है, लेकिन आपको इसके नियमों का भी पालन करना होता है। इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको इसकी सेवा करनी है, अगर आप पत्ते तोड़ रहे हैं तो किस प्रकार आपको उनका उपयोग करना है, बहुत ज्यादा चीजें जुड़ी है माँ तुलसी से। तो चलिए बात करते हैं माँ तुलसी की। देखिए जो इसकी दिशा है वो होनी चाहिए उत्तर पूर्वी। अगर आप इस दिशा में रखते हैं अपनी तुलसी माँ को तो आपको ज्यादा अच्छे लाभ मिलेंगे, साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। और सबसे जरूरी बात बता दूं, अगर आपके घर में कृष्ण या राम तुलसी है तो वो सबसे अच्छी है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी माँ का सेवन जब करते हैं तो मुंह में रख के चबाने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं वास्तु की दृष्टि से बेहद गलत है। जो तुलसी माँ है उसे माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, तो आप कभी भी तुलसी को चबा चबा कर ना खाएं, इसको आपको गिटकना है, आपको स्वेलो करना है। तो जब भी आप इसका सेवन करें इसी तरीके से करें, साथ ही साथ आपको इतवार को छोड़कर हर दिन इसमें पानी चढ़ाना है। और सबसे जरूरी चीज, आंगन के बीच में अगर पौधा है तो वहां पर ज्यादा कचरा ना करें। देखिए कई बार क्या होता है ना, आंगन में हम कचरा डाल देते हैं, झाड़ू निकालते वक्त छोड़ देते हैं। तो अगर आपके आंगन में तुलसी माँ है, लक्ष्मी जी का निवास है, तो वहां पर घर का कैसा भी कचरा ना रखें। दोस्तों इस लिस्ट में हम बात करते हैं अगले पौधे की, जिसको आप लक्की बंबू भी कहते हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा प्रचलित भी है। आपको मैक्सिमम ऑफिस में दिख जाएंगे, घर में दिख जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो इन्हें खरीद रहे हैं वो बस गृह शोभा के लिए खरीद रहे हैं कि डेकोर अच्छा होगा, घर का सुंदर दिखेगा। उनको इसके वास्तु नियमों कुछ पता ही नहीं। यह घर में लक्ष्मी लाता है पौधा, यह घर में गुडलक लाता है पौधा, इसलिए इसको लक्की बंबू भी कहा जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आर्टिफिशियल लाइट में भी ग्रो कर जाता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये आर्टिफिशियल लाइट होगी तो भी ये ग्रो कर जाएगा, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप बात करें इसके वास्तु की, तो फेंग शुई में इसका बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। तो अगर आप फेंग शुई के वास्तु को फॉलो करते हो तो आपको इसके महत्व का पता होगा। साथ ही साथ हम बात करें अगर इसकी लोकेशन की, इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी दक्षिण में आप इसका वास कर सकते हो। और इस पौधे को पंचभूत का भी स्वामी कहा जाता है। अगर आपको कोई ये पौधा दान में दे तो क्षण भर भी देर ना करें इसे अपनाने में। दान में लिया गया लक्की बंबू घर में पैसे लाता है, बरकत करता है, घर में सुखी जीवन को बनाए रखता है। दोस्तों बात करते हैं अगले चीज की, जिसको आप भली भांति जानते होंगे, जिसका नाम है मनी प्लांट। देखिये नाम से मत सोच लीजिए कि इसके आने से आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके बिगड़े काम बना सकता है, इसका यही महत्व है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मनी प्लांट लगा लिया तो आपके घर में पैसे की बारिश हो जाएगी, आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर का वास्तु खराब है, बिल्कुल खराब, और आपने मनी प्लांट का पौधा लगाया तो वो ग्रो नहीं करेगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि घर में और भी प्रॉब्लम है। और हर सिचुएशन में अगर आपका जो मनी प्लांट है वो चलता है, बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो समझ लीजिए आपके घर का वास्तु बहुत ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ये पता ही नहीं कि मनी प्लांट का उपयोग कैसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर अपनी बालकोनी में मनी प्लांट रखते हैं और जो उनकी बेल है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आती है, और ये बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन देखिए खूबसूरती के पीछे हमें नहीं भागना है। अगर आपने मनी प्लांट ऐसे लगाया है कि उसकी बेल ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ
तरफ आती है तो आपके घर में संकट लेके आ सकता है। ऐसे में आपको बंदोबस्त कुछ इस तरीके से करना है कि जो बेल है वो ऊपर की तरफ जाए। आपको गमले में रखना है, उसको सपोर्ट के लिए कुछ दे दीजिए, लकड़ी कुछ भी किसी प्रकार से, ताकि वो जो बेल है वो ऊपर की तरफ जाए। अगर बेल ऊपर की तरफ जा रही है तो आपके घर में खुशी आएंगी, अन्यथा आपके जीवन में क्लेश हो सकता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे केले के पौधे की। देखिए जो केले का पौधा है बहुत जरूरी है, हर हिंदू घर में होना चाहिए केले का पौधा। घर में पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, घर में नकारात्मकता को पूरे तरीके से खत्म करता है और गुरुवार के दिन इसकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नंबर आता है नारियल का। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके घर में नारियल होना। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसकी दिशा की। लोगों को इसकी दिशा नहीं पता, कहीं भी सुंदरता के चक्कर में कहीं भी लगा देते हैं। तो इसकी दिशा है या तो पश्चिम होनी चाहिए या फिर दक्षिण। साथ ही साथ आप ये सोचिए, हर पूजा में, हर हवन में, हर तरीके के धार्मिक काम में नारियल का उपयोग लाया जाता है, तो कितना पवित्र होगा, इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी वो कैसी होगी, इस पौधे की जो वाइब आएंगी घर में वो कैसी होगी। मतलब इसका फल में काम में ले सकते हो आप, इसके पत्ते काम में ले सकते हो आप, इसके टहनियां काम में ले सकते हो, मतलब कि पूरे रूप से आप इसका काम कर सकते हो। हर पूजा स्थल पे नारियल का अपना ही उपयोग माना जाता है। तो ऐसे में अगर आपके घर में नारियल का पौधा है तो आपके घर में जरूर सुख लेके आएगा, साथ ही साथ घर के कलह को खत्म करेगा। तो दोस्तों ये वो पौधे हैं जो आपके घर में जरूरी होने चाहिए। देखिए सबसे अच्छी बात है ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव पौधे नहीं है। अगर आप इन सबकी शॉपिंग आज ही करने चल जाते हैं तो हद से हद हजार रुपए के बीच में आप ये सारे के सारे पौधे खरीद लेंगे। और मुझे कमेंट करके बताओ आपके घर में कौन कौन से पौधे इस वक्त है, जैसे कि मैं आपकी सहायता कर सकूं, कौन से पौधे नहीं होने चाहिए या कौन से पौधे आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु की नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।